लक्ष्यों का कर्मिक विस्तार है और इन्होंने तीन प्रकार के उद्देश्य बताए हैं और छह पदों में इन्हें विभाजित किया है। जैसे ज्ञानात्मक, फिर है भावात्मक मनुषाली, भावात्मक मनोशारीरिक, मनोशारीरिक और फिर है क्रमवाचक, एक है ज्ञानात्मक में है ज्ञान, ठीक है, और भावात्मक में है आग्रहण यानी ग्रहण करना, वही मनोशारीरिक में है उद्दीपन। वही मनोशारीरिक में है नियंत्रण कार्य करना, ठीक है, वही पर ज्ञानात्मक में है प्रयोग, ठीक है, और मनोशारीरिक में है नियंत्रण कंट्रोल। ठीक है, अब है ज्ञानात्मक में विश्लेषण, ठीक है, भावात्मक में है विचारना, ठीक है, मनोशारीरिक में है समायोजन करना, ठीक है, फिर ज्ञानात्मक में है संश्लेषण, ठीक है, और भावात्मक में है संगठन, वही मनोशारीरिक में है स्वाभिनीकरण। स्वाभिनीकरण, ठीक है, मूल्यांकन, ठीक है, भावात्मक में है चरित्र निर्माण, और मनोशारीरिक में है आदत बनना, ठीक है, किसी भी बात
बात के लिए स्वयं को तैयार करना या किसी चीज के लिए अपनी आदत बनाना। उपरोक्त जो यह तालिका है इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ग के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए सीखने वालों को 6-6 स्तर पार करने होते हैं। और ब्लूम महोदय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहार परिवर्तन के उपरोक्त क्रम में अभिव्यक्त किया जाए तो अधिक स्पष्ट होंगे और तब शिक्षण की दिशा और मूल्यांकन की विधियों को निश्चित करना और भी सरल हो जाएगा। इस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य अमेरिका में हुआ है। उस सब की जो चर्चा है करने का यहाँ औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस संदर्भ में बस इतना ही कहना है कि अमेरिका में ही की गई शोध में परिणाम यह बताते हैं कि शिक्षण के जो उद्देश्य एवं लक्ष्यों को इस रूप में लिखने से शिक्षण के स्वरूप एवं उसके परिणाम पर कोई धनात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और इसी कारण वहां अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए हमारे भारत देश में अक्षेत्रीय शिक्षक महाविद्यालय मैसूर वर्तमान में अक्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर के प्राध्यापकों ने ब्लूम महोदय के वर्गीकरण के आधार पर ज्ञानात्मक वर्ग के उद्देश्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने की एक विशेष शैली का विकास किया है। इसमें इन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्य के जो अंतिम 3 सोपान बताए हैं जैसे विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन को एक सोपान सृजनात्मक क्रिएटिविटी के अंतर्गत रखा गया है और फिर ज्ञान को बोध को ज्ञान को नंबर 2 पे रखा गया है, बोध को 7 और प्रयोग को 5 और सृजनात्मकता को तीसरी मानसिक योग्यता के रूप में प्रस्तुत किया है। इस RCEM सिस्टम कहा जाता है इसे और इसकी भी एक निम्न रूप से तालिका प्रस्तुत की गई है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य है, उसकी मानसिक योग्यताएं हैं और इसमें उन्होंने ज्ञान जो बताया है उनमें एक ज्ञान के साथ प्रत्यास्मरण बताया है, प्रत्यभिज्ञान बताया है, वहीं बोध जो उन्होंने बताया है बोध का, उसमें बोध में उन्होंने 7 बिंदु लिखवाए हैं जैसे संबंध देखना, उदाहरण देना, भेद करना, वर्गीकरण करना और व्याख्या करना, पुष्टि करना और सबसे लास्ट में बताया है सामान्यीकरण करना। ठीक है, वहीं उन्होंने जो तीसरा नंबर बताया है प्रयोग का, उसमें उन्होंने बताए हैं 5 बिंदु, तर्क करना, उपकल्पना बनाना, उपकल्पना की स्थापना करना और फिर निष्कर्ष निकालना और पूर्व कथन करना। इस प्रकार से उन्होंने इसके 5 बिंदु बताए हैं। अब जो उन्होंने चौथा नंबर लिया है सृजनात्मकता का, उसमें उन्होंने 3 बिंदु बताए हैं, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और फिर अंत में मूल्यांकन करना। इस सिस्टम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक परिवर्तन के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षण के लक्ष्यों को निर्धारित किया जाना और उसके बाद निम्न तालिका में दिए गए 17 बिंदुओं को उनकी मानसिक योग्यताओं और पाठ्य वस्तु के तत्वों के साथ प्रयुक्त करके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के रूप में लिख दिया जाता है और यह वहां उसका एक पूरा प्रारूप दिया जाता है।
प्रति अभिज्ञान करा सकें और छात्रों को उसके संबंध में देखने के लिए कुछ बिंदु दे सकें, उन्हें कुछ उदाहरण भी दिए जाने चाहिए तथा भेद कर सके वे इस प्रकार के वाक्य होने चाहिए। अन्य कई बिंदु इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। अब है ज्ञानात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य, इनकी भी टिप्पणियों के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। तब शिक्षण लक्ष्य कैसे होंगे यह और आज के शिक्षण लक्ष्यों में फर्क दिया गया है। बीएस ब्लूम के द्वारा जो बताए गए शिक्षण लक्ष्य है उनका क्रमिक विस्तार किया गया है निम्न प्रकार से: ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक। ठीक है, उन्होंने ज्ञान पक्ष में 6 बिंदु बताए हैं और भावात्मक पक्ष में भी 6 बिंदु बताए हैं। इसी प्रकार से मनोशारीरिक दशा के 6 बिंदु बताए हैं और ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। उसी प्रकार से है आग्रहण, अनुक्रिया करना, फिर अनुमूलन करना, फिर विचारना और फिर संगठन, बाद में चरित्र निर्माण, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण करना, फिर है समायोजन करना, फिर स्वभाविकरण और परिवार में है उसकी आदत बनाना। इस प्रकार से बीएस ब्लूम के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को प्रस्तुत किया गया है। आज के दिवस इतना ही।